नमस्कार, स्वागत है आपका मीमांसा हिस्ट्री में। आज हम आपके लिए एक कला का जो प्रदर्शन है वो हम लेकर आए हैं। जी हाँ, आज हम विश्व प्रसिद्ध टेरेकोटा कला जो कि राजसमंद जिले के मोलेला गांव की प्रसिद्ध है, उसके बारे में आज हम आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं कि वो कला किस तरह से जो है वो बनती है या किस तरह से वो देश के विभिन्न भागों में फैली है। तो आज हमारे साथ में राष्ट्रपति अवार्ड विजेता मोहनलाल जी के संबंधी आज हमारे सामने हैं, तो वो आपको आगे से आगे अपना परिचय देते हुए पूरी कला के बारे में आज हमको बताएंगे। तो सबसे पहले हम उनका परिचय प्राप्त करते हैं। मेरा नाम दीपक कुमार है और मेरे फादर का नाम हिम्मत लाल जी कुमार है। मेरे दादाजी को 1981 में भी नेशनल अवार्ड मिला था, उनका नाम खेमरा जी है। ठीक है, मोहन जी और खेमरा जी दोनों भाई है, मतलब उनको भी अवार्ड मिला हुआ है, मोहन जी को भी। और हम जो मिट्टी का काम करते हैं ना, पूरा हैंडवर्क से करते हैं, इसमें कोई टूल्स वूल्स वगैरह कुछ उपयोग में नहीं लेते, पूरा हाथ से करते हैं। ये परंपरा मतलब 500 ईस्वी पूर्व ही चल रही है। अच्छा, तो 500 साल पुरानी जो परंपरा है, और ये जी हाँ, इसमें किसी तरह की मशीन का उपयोग नहीं किया जाता है, सभी जो कार्य हैं वो हस्त निर्मित कार्य हैं, और ये टेरेकोटा कला हस्त निर्मित होने के कारण ही पूरे विश्व में आज प्रसिद्ध है। तो किस तरह से ये टेरेकोटा कला कार्य करती है ये हम आज आपको बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम प्रकाश कुमार है, पापा का नाम हिम्मतलाल कुमार, दादाजी का नाम खेमराजी कुमार, और मोहन जी मेरे दादाजी के छोटे भाई हैं, उनको भी पद्मश्री नेशनल अवार्ड मिला हुआ है मोहनलाल जी को, और दादाजी को भी अवार्ड मिला हुआ नेशनल 1981 में। उन फिर 1981 के बाद 1987 को मोहनलाल जी को राष्ट्रपति अवार्ड मिला हुआ। फिर मैं आपको आज गणेश जी की मूर्ति बनाकर बताऊँगा। ये टूल्स है, ये पैटिया पिंडी और ये बालड़ी और ये पानी और ये गद्दे की लीद, ये पांच चीज़ें। इसके अलावा दूसरी कोई चीज़ नहीं है, बाकी सारा काम हाथ से बताऊंगा। अभी ये सर्वप्रथम मैं आपको ये गद्दे की लीद बिछाऊंगा नीचे, जिससे ये चिपकेगा नहीं, नीचे की प्लेट चिपकेगी नहीं। फिर मिट्टी को फैलाएंगे धीरे धीरे इसके ऊपर। मोलेला राजसमंद जिले से नाथद्वारा से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह एक गांव है। मोलेला गांव की पहचान 700 ईसा पूर्व लोक देवी देवता की मूर्तियों से मोलेला टेराकोटा की जो कला है वह चलती आ रही है। कहते हैं 700 ईसा पूर्व एक अंधा कुम्हार रहता था जिसको कुछ भी दिखाई नहीं देता था। एक दिन रात को देवनारायण भगवान सपनों में आए और अंधे कुमार से कहा कि मेरी अपनी प्रतिमा तुम बनाओ। तब अंधे कुमार ने कहा कि मैं तो अंधा हूँ, मैं कैसे आपकी प्रतिमा बना सकता हूँ। तो भगवान देवनारायण ने कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं कहता हूँ वैसा करो। कुम्हार ने बात मानी और देवनारायण ने बताया कि सुबह उठकर जाना और गांव के पास जो 16 छापर की नाड़ी है या और तालाब भी है, वहाँ से मिट्टी खोद कर लाना और मेरी प्रतिमा बनाना। तब उस कुम्हार ने देवनारायण भगवान से पूछा कि यह प्रतिमा कौन लेकर जाएगा, कौन खरीदेगा। तब देवनारायण ने कहा कि तुम जो आकृति बनाओगे वह मंदिरों में पूजा के लिए लोग लेकर जाएंगे, मेरा प्रचार रहेगा, गायरी समाज, गुजर समाज और गरासिया और मीणा और भील सभी समाज के लोग मेरी पूजा करेंगे। आदिवासी जो पूरे राजस्थान वह गुजरात से मेरी प्रतिमा लेने आएंगे। दूसरे दिन जब अंधा कुम्हार सुबह उठा तो उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। सपने में देवनारायण भगवान ने कहा कि सुबह तुम्हारी आंखों से तुम सब कुछ देख सकोगे। कुम्हार ने उनके अनुसार मिट्टी लेने गया और मिट्टी लाकर मिट्टी को बारीक कूट कर पानी में भिगोया और उससे मिट्टी तैयार की। वो जैसे जैसे देवनारायण ने अपनी आकृति बताई थी वैसे उसने उनकी आकृति बना दी। घोड़े पर बैठे हुए एक हाथ में उनके भाला था और दूसरे हाथ में कमल का फूल था और घोड़े के नीचे था एक सांप। देवनारायण के पीछे गाय थी और ग्वाल थे, कानों में बालियाँ थी तो गले में माला थी और सिर पर मुकुट था। वह पूरी आकृति देखकर पहली बार देवनारायण की प्रतिमा कुम्हार ने बनाई।
देवनारायण भगवान ने कुम्हार को वचन दिया कि तुम्हारा वंश आगे बढ़ेगा और तुम्हारा वंश का नाम भी रहेगा। इस गांव के अलावा, तुम्हारे वंश के अलावा किधर भी मेरी मूर्ति कोई भी नहीं बना सकेगा। तब से इस मोरेला गांव में देवनारायण, धर्मराज, काला घोरा, भैरव, दुर्गा माता, अंबा माता, तकाजी, साड़ू माता, नाग देवता, सांड माता आदि अनेक प्रकार की मूर्तियां बनती है। सन 1978 की बात करें तब सर्वप्रथम पहली बार कला का प्रदर्शन उदयपुर के लोक कला मंडल में किया गया। खेमराज जी उस समय वहां पर मौजूद थे, जिन पर भारतीय विकास आयोग के केंद्रीय मंत्री की उन पर नजर पड़ी और वे खेमराज जी की कला देखने के लिए मोलेला गांव में साथ में आए। तब मंत्री जी के साथ में खेमराज जी पहली बार दिल्ली गए और दिल्ली के क्राफ्ट म्यूजियम में 7 फीट लंबी और चौड़ी 24 अवतार की मूर्ति बनाई, जिसमें 24 अवतार में गणेश जी व सभी प्रकार के देवी देवता एक ही मूर्ति में शामिल थे। उसी 24 अवतार वाली मूर्ति पर 1981 में खेमराज जी को नेशनल अवार्ड मिला, जो कि तत्कालीन राष्ट्रपति श्रीमान नीलम संजीव रेड्डी द्वारा दिया गया। इसके बाद तो खेमराज जी ने टेरेकोटा, ग्रामीण टाइल्स, कृष्ण लीला, रामायण, महाभारत, महाराणा प्रताप जैसे अनेक टाइल्स बनवाई और मॉडल बनवाए, हाथी घोड़े, गमले, गणगौर बनवाए। और उसके बाद तो खेमराज जी ने बेंगलोर क्या, लखनऊ क्या, कोलकाता, जम्मू कश्मीर, मेघालय, हिमाचल प्रदेश आदि जगहों पर अपनी कला का प्रदर्शन किया और सम्मान पाया। धीरे धीरे यह कला विदेशों में भी फैली। नेपाल में 7 देश सम्मेलन जब हुआ था तब उसमें भी भारत सरकार ने खेमराज जी को वहाँ कला प्रदर्शन के लिए भेजा। इसके साथ वह हॉलैंड गए, अमेरिका गए, ऑस्ट्रेलिया गए, लंदन गए और वहाँ पर जाकर उन्होंने उन बच्चों को, वहाँ के बच्चों को, वहाँ के लोगों को इस कला के बारे में परिचित कराया। तो इस तरह से यह कला खेमराज जी के बाद इनके पुत्र और पुत्र के बाद उनके भी पुत्रों, यानी कि जो भी आपके सामने बना रहे हैं दीपक और प्रकाश, इनके साथ भी यह परंपरा चलती आ रही है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं टेराकोटा की कला कि किस तरह से ये गणेश जी की मनोरम मूर्ति आपके सामने बना रहे हैं। के बाद आप क्या करें? अच्छा आप बताइए, मुझे तो लग रहा है लगभग खत्म ही हो गया ये मूर्ति बनाना, तो आप बताइए इसके बाद कैसे, मतलब ये मार्केट में कैसे जाएगा, कितना दिन लगेगा ये पूरा प्रोसीड्यूर खत्म होने में? मार्केट में अब लमसम अभी तो नहीं, अभी बारिश का मौसम, दिवाली का टाइम, दिवाली के टाइम अपने मेला लगता है, नहीं दिवाली का जवाहर कला केंद्र जयपुर में, हल्दी अपने उदयपुर में, सिलवाड़ी सिलग्राम में मेले के। मतलब आपका ये जो मूर्ति बन गया, हाँ, इसके बाद आप इसके ऊपर डिजाइन करेंगे? डिजाइन करेंगे इसके, पॉलिश करेंगे, पॉलिश करने के बाद डिजाइन करेंगे इसके ऊपर। अच्छा। डिजाइन करने के बाद फिर इसको धूप में 5 दिन तक ऐसी पड़ी रहेगी। अच्छा। फिर 15-20 माल स्टॉक होने के बाद इसको भट्टी में पकाएंगे, भट्टी में पकाने के बाद इसका, भट्टी के पकाने के बाद इसको लाल देखेंगे, कलर टेराकोटा कलर करेंगे। अच्छा। टेराकोटा कलर करने के बाद, टेराकोटा कलर करने के बाद इसको अपने साइज के हिसाब से, इसका कोई नेचुरल भी पूछता है, नेचुरल भी रखते हैं और टेराकोटा कलर भी करते हैं, दोनों कलर करते हैं। अच्छा, तो मान लीजिए आपका टेराकोटा कलर हो गया, सब कुछ कंप्लीट हो गया, तो ये माल आप कहाँ पर भेजते हो? मतलब सिर्फ आपके इस जिला में है या जयपुर में, उदयपुर में भी आप लोग
इसको दे दो। मान लीजिए कोई दर्शक आपको फ़ोन करेंगे कि मुझे ये मूर्ति पसंद आ गया, तो आप तो ऑनलाइन में ऑर्डर लेंगे, तो कितने दिनों के अंदर आप ये ऑर्डर को आप भेज सकते हो? मान लीजिए बाहर से कोई अगर आपसे पूछेंगे तो कितना दिन लगेगा? कम होम डिलीवरी करने में लगभग 4-5 दिन लगता है। ये तो अपनी जगह के स्थान पर मालूम पड़ता है कितना दूर है वो आदमी। अच्छा। बंदा टाइम के हिसाब से उसे के हिसाब राजस्थान के अंदर मान लीजिए जयपुर उदयपुर और किसी जगह पर अगर आप लोग होम डिलीवरी करेंगे तो इसके लिए 4-5 दिन लगेगा। हाँ, और राजस्थान के बाहर मान लीजिए गुजरात मुंबई कलकत्ता दिल्ली अगर इस जगह पर अगर आप लोग होम डिलीवरी करेंगे तो कितना टाइम लगता है? उसके कम से कम 7 हफ्ता पड़ता लगता है। टाइम तो टाइम तो लगता है उसको। पैकिंग करना पड़ता है उसको। भाभी देखना पड़ता आगे भाभी गाड़ी में देखना पड़ता है टाइम पार्सल करना पड़ता है। अच्छा, तो इसके बाद आप क्या करेंगे? मुझे तो लग रहा है कि लगभग खत्म हो गया। इसके बाद आप डिजाइन करेंगे? हाँ, डिजाइन अब डिजाइन कर रहा हूँ। तो दर्शकों आप लोग देख रहे हो कि मतलब 15 मिनट के अंदर इतना अच्छा गणेश जी का मूर्ति भाई ने बना दिया। अब आप लोग देखेंगे कि इसके ऊपर ये कैसे